हेलो गाइस, वेलकम टू बैकग्राउंड सिनेमा माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू ब्लॉग में। जैसे गाइस आप देख सकते हैं पीछे पंडाल है और यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइस बताना चाहूँगा, यहाँ पे ग्राम सरायकापा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में गाइस क्रिकेट टूर्नामेंट में आप भाग लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, और कभी भी आप सरायकापा ग्राउंड में आना चाहते हैं मैच का लुत्फ़ उठाने, आनंद लेने के लिए, तो गाइस आपको मैं एड्रेस बताने वाला हूँ। अगर आप बुढ़ार या फिर खन्नात एरिया से आते हैं तो आपको अभयराज किराना दुकान के पास आना पड़ेगा। फिर वहाँ से गाइस आपको बस्ती में आना है, बगीचा टोला ग्राउंड आप बोल दीजिएगा, बगीचा टोला के नाम से है ग्राउंड जाना है, तो कोई व्यक्ति आपको बता देगा और आप बहुत आसान तरीके से इस ग्राउंड में पहुंच सकते हैं। और क्रिकेट टूर्नामेंट सरायकापा में बहुत अच्छा मैच होने वाला है और इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो ग्राउंड की व्यवस्था है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बनाया गया है, बहुत अच्छा ग्राउंड साफ़ सुथरा दिख रहा है। और जो पिच बनाया गया है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पिच किस प्रकार बनाया गया है, यहां पे खिलाड़ियों को किसी प्रकार को कोई तकलीफ ना हो, बाल इधर उधर ना जाए, इसलिए साफ़ सुथरा पिच को बनाया गया है कि नहीं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। कुछ ही क्षणों बाद आज गाइस मैच प्रारंभ होने वाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं पिच की व्यवस्था, यहाँ पर बहुत अच्छा से लिपाई पुताई कर दिया गया है, साफ़ सुथरा बनाया गया है। और वो इस टाइम देख सकते हैं बहुत अच्छा, यहाँ पर जो सफ़ेद कलर की पट्टी डालकर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक बनाया गया है। और इस तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लाइनिंग जो है बहुत अच्छा सीधा खींचा गया है कि बाल इधर से उधर ना जाए, जिससे वाइड देने में जो है एम्पायर को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, यहाँ पर किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। इस प्रकार सीन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्राम सरायकापा बिरसा मुंडा मैदान सरायकापा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भाई लोग देख रहे हैं मैदान में कि मैदान का जो पिच है वो अच्छे पूर्ण रूपेण बना है कि नहीं बना है, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे ख्याल से। गाइस लोग हैं जो ये देवा बैगा जी है और ये सोनू बैगा जी है और ये भोलू बैगा जी है, देख सकते हो झंडा लेके घूम रहे हैं, ऐसा लगता है भगवा रंग का प्रचार कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई लोग जो है मैदान के चारों तरफ किनारे किनारे झंडे की व्यवस्थित तरीके से लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और ग्राउंड इस प्रकार देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो गाइस ग्राम सरायकापा में बड़ी उत्सुक है, यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट आज से प्रारंभ होने वाली है। तो यूट्यूबर भाई, यूट्यूब गाड़ी मेरा है, भाई साहब ड्राइवर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बच्चे लोग हैं, देख सकते हो दोस्तों बहुत अच्छा रंग बिरंगी झंडा लेके भाई खड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घना चला कर झंडे को लगाया जाएगा, कार्यकर्ता भाई लोग जो है यहाँ से अभी तार करंट वाला तार जो है खींच कर ला रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था बना रहे हैं, आप देख सकते हैं तार को खिंचाई चल रहा है और यहाँ वायर को खींच कर और इस पंडाल तक लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर खींचा जा रहा है पंडाल तक ले जाने के लिए, और ये सब खिलाड़ी भाई लोग हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस वायर को खींचा जा रहा है पंडाल में, बहुत जल्द लाइट की व्यवस्था किया जा रहा है, व्यवस्था बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे भाई लोग अभी लगातार आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ग्राम सरायकापा बिरसा मुंडा ग्राउंड सरायकापा में यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ होने वाला है गाइस, और यहाँ की जो व्यवस्था बनाया जा रहा है। तो चलिए आज मैं आपको कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके दिमाग में कैसे आया यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई लोग हैं, और बताना चाहूँगा ये हैं भोले महाराज जी हैं, और यहाँ पे गुड्डा प्रजापति और इसका नाम तो क्या सुरेश प्रजापति के नाम से है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये सूरज बैगा जी हैं, और भी इनके जो बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं जो इस कमेटी में काम कर रहे हैं, और कमेटी के माध्यम से गाइस यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट सरायकापा में प्रारंभ होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा कमेटी के सदस्यों से चर्चा कर लेते हैं कि इनके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि यहाँ पर बहुत साल बाद क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। तो ये और हेलो सर, तो देख सकते हैं भोले महाराज जी है। तो सर ये बताइए हमको कि यहाँ ग्राम सरायकापा में, मैं देखा हूँ कि अभी बहुत सालों बाद है शायद आज क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, तो आप लोग खेलते हैं, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए, ये आप कैसे विचार किए और फिर यहाँ पे ग्राम सरायकापा में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं सर? तो क्या है कि अभी हम इसी साल से खेलना शुरू किए, पहले बहुत पहले खेलते थे 10-15 साल पहले जी, फिर बीच में सब छूट गया, अब इस साल से खेलना शुरू किए, तो थोड़ा यहाँ वहाँ गए दूसरे गांव में जाके खेले, तो हमको भी लगा कि यार हम दूसरे गांव में जाके खेलते हैं, हाँ। तो क्यों ना अपने गांव में भी एक टूर्नामेंट होना चाहिए जी जी जी, और इसीलिए सब लोगों से बोले मदद के लिए बोले, तो सब तैयार हुए और आज ये ओपनिंग मैच है। अच्छा,
तो आज टूर्नामेंट का प्रारंभ है, चालू होने जा रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोले महाराज जी। और ये सुरेश प्रजापति है, इनसे भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सर आप ये बताइए, ग्राम सरईकापा में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत सही, अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए हम टूर्नामेंट खेलने हर जगह जाते हैं, है ना, तो बहुत दिन के बाद तो चालू किए हैं ऐसा। हमारे सरईकापा के नाम से कोई जानता नहीं था क्रिकेट कोई खेलता है कि नहीं खेलता है। हाँ, एंट्री लेके चालू किए हैं, इसी साल से खेलना चालू कर दिए। तो हम लोग सोचे जी जब बाहर खेलने जा रहे हैं तो अपने गांव में भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बाहर के खिलाड़ियों को अपने ग्राउंड में भी खिलाना चाहते हैं। ठीक ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग भी अगर खिलाड़ी हैं किसी प्रकार के, ये फुटबॉल के क्रिकेट का, तो जरूर आप अपने गांव में एक संगठन तैयार करिए और अपने कमेटी तैयार करिए और क्रिकेट या फिर फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाइए। जिससे क्या होता है गाइस कि आपके गांव का नाम रोशन होता है। तो इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सुरेश प्रजापति जी को। देख सकते हैं गाइस, ग्राम सरईकापा बिरसा मुंडा ग्राउंड में बहुत ही जल्द क्रिकेट यहां पे प्रारंभ होने वाला है। और यहां पे देख सकते हैं बैनर है, लिखा हुआ है गाइस सरईकापा प्रीमियर लीग ग्रामीण स्तरीय सीजन 24 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा टेनिस बॉल टूर्नामेंट। प्रवेश शुल्क 1500 रुपये है गाइस, और विजेता शुल्क आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 है, उप विजेता 7,000 है। और यहाँ पे जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनका कुछ नाम नंबर मोबाइल नंबर दिया गया है। और उस समय गाइस यहाँ पे लिखा है 10 बजे से लेके पूरे दिन भर चलेगा। और स्थान देख सकते हैं खेल मैदान सरईकापा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सदस्य भाई है, जो कार्यकर्ता भाई, उनका कुछ फोटो आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखते हैं गाइस यहाँ पे लगातार अच्छा व्यवस्था बनाया जाता है, कमेटी के जो जो खिलाड़ी लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है, पंडाल बिछाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे भाई लोग सब लगातार अच्छा व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम सरईकापा में जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें किसी प्रकार का कोई कमियां ना रहे, ऐसा कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए गाइस ऐसे ही मैं वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और साथ में गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो यहाँ पे मैच होने वाला है उसका भी सीन मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आज यहाँ पे जो व्यवस्था बनाया जा रहा है, जो कमेटी किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, उसके बारे में आपको बताया हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।